वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने एक राष्ट्रीय महत्व के दो संस्थानों को मंजूरी देने का काम किया है और हरियाणा देश में एक पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया है। तो संस्थानों में इसी सत्र से विद्यार्थियों को 4 वर्षीय बीएड कोर्स में प्रवेश दिया जाएगा। इसी के साथ ही इन संस्थानों में शिक्षा का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का पाठ्यक्रम लागू किया जाएगा। पहले जहां इन कोर्सों को करने में 5 साल लगते थे, लेकिन अब यह कोर्स 4 साल में ही स्टूडेंट पूरा कर लेंगे और शुरुआत से ही उन्हें शिक्षक बनाने की पढ़ाई भी करवाई जाएगी, तो सरकारी नौकरी भी मुहैया कराई जाएगी। कुरुक्षेत्र में विभाग के निदेशक डॉक्टर ऋषि गोयल ने बताया कि पहले ही दिन 100 स्टूडेंट ने आवेदन किए हैं। इस बार गुरुग्राम और कुरुक्षेत्र में दोनों जगह पर दाखिले होंगे। है 4 वर्षीय बीएससी बीएड बीएड इंटीग्रेटेड कोर्स, ये हरियाणा सरकार के द्वारा पहले से ही झज्जर में चल रहा है, जहां पर और 100 सीटें रखी गई हैं और उन 100 सीटों के अगेंस्ट लगभग 4000 एप्लीकेशन हमको इस साल भी प्राप्त हुई थी। उसी में से ये विचार हुआ कि इस कोर्स की इतनी मांग है कि 100 सीटों के अगेंस्ट अगर 4000 एप्लीकेंट्स हैं और राष्ट्रीय शिक्षा नीति उसकी एडवोकेसी करती है तो क्यों न और हरियाणा में इसका विस्तार किया जाए। तो हरियाणा सरकार ने ये बहुत ही क्रांतिकारी कदम उठाया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने शिक्षक शिक्षा का जो प्रारूप सामने रखा है उस पर सबसे पहले और पहल करते हुए हरियाणा के 2 स्थानों पर, कुरुक्षेत्र और गुड़गांव में, ये कोर्स प्रारंभ किया है और इसमें दोनों ही स्थानों पर, जैसे झज्जर में 100 सीटें हैं, कुरुक्षेत्र और गुड़गांव में भी 100 सीटें रहेंगी।